और हम पहुंच चुके हैं चंबा और अभी बज रहे हैं 11। हम सुबह 9 बजे चले थे भरमौर से और 2 घंटे लगे हैं। भरमौर से चंबा का डिस्टेंस है जो है 60 किलोमीटर है और दो घंटे का रास्ता है, तो हमें 2 घंटे लगे। 9 बजे चले थे तो हम 11 बजे पहुंच चुके हैं। और इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके भरमौर की वीडियोस देख सकते हैं। और अभी हम जाएंगे चामुंडा मंदिर सबसे पहले। एक्चुअली हम चंबा में रुकेंगे नहीं, हमें चंबा से खजियार जाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ रास्ते में ही पड़ता है, तो हम चामुंडा मंदिर में दर्शन करेंगे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। फिर हम उसके बाद जाएंगे लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा का, ये भी बहुत फेमस मंदिर है। और फिर इसके बाद हम यहाँ से लंच करेंगे, फिर हम उसके बाद निकलेंगे खजियार के लिए। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो खजियार की होगी। ये देखिए आ गया चामुंडा मंदिर, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। कहा जाता है कि ये मंदिर चंबा शहर के बसने से पहले ये मंदिर बनाया गया था, और ये मंदिर राजा शालीन वर्मा के द्वारा बनाया गया था। और ये मंदिर में इतनी हाइट पे है, ये मंदिर इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि यहाँ से आप जो चंबा की ब्यूटी है, खूबसूरती है, अगर खड़े होंगे तो पूरा चंबा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे चामुंडा मंदिर की स्टोरी लिखी हुई है, आप ऐसे जूम करके देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जो इसका कैंपस है बहुत ही ब्यूटीफुल है और पहाड़ियों के बीचों बीच है। और अगर हम मंदिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो हमें पूरे चंबा का व्यू दिखाई देता है यहाँ से। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, तो चलिए हम दर्शन करने चलते हैं सबसे पहले मंदिर में। एक्चुअली चंबा के जो साइट सीन है 3 है यहाँ पे, बहुत ही फेमस है। एक ही चामुंडा टेम्पल है, चामुंडा मंदिर टेम्पल, और एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, और एक चौगान मैदान है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए, चामुंडा मंदिर काली माता का मंदिर है, और ये एक्चुअली चामुंडा मंदिर कांगड़ा में भी है। और ये सबसे पहले आता है शिव मंदिर, मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ, आप दर्शन कर लीजिए। आइए अब चलते हैं ऊपर की तरफ चामुंडा माता के मंदिर की तरफ। ये काफी हाइट पे है, तो मैं आपको यहाँ से चंबा शहर का व्यू दिखाती हूँ। और इस बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जो फ्लैग है सामने आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। चंबा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो देखिए यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर नजारा है। और चंबा में 2 बहुत ही लोकप्रिय मेलों का आयोजन किया जाता है। एक है सुई माता मेला जो कि 15 अगस्त से लेकर 1 अप्रैल तक चलता है, और एक है मिंजर मेला, ये 23 जुलाई से शुरू होता है। तो जब भी आप आए तो मेले ज़रूर देखें। देखिए फ्लैग कैसे हिल रहे हैं, ये काफ़ी हाइट पे है। और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में आप देख सकते हो बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है। आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चामुंडा माता के। जय चामुंडा माता। ये देखिए हम मंदिर की परिक्रमा करेंगे, सब तरफ काफी सारी घंटियां लगी हुई है, और कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा है। मंदिर का कैंपस बड़ा है, दोनों तरफ से है, और इस तरफ से पैदल आने का रास्ता है, और हम लोग पीछे की तरफ से आए बाई कार, तो आप लोग पैदल भी आ सकते हैं और कार से भी आ सकते हैं। तो पीछे की तरफ पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये देखिए पूरे चंबा का व्यू दिखाई दे रहा है आपको, चंबा शहर, ब्यूटीफुल चंबा दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ है चंबा शहर। कुछ टाइम हम यहाँ पे रुक के चंबा शहर को निहारेंगे, बहुत ही सुंदर जगह लग रही है हमें ये। फिर उसके बाद हम जाएंगे, अब हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और अब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे हिमाचल टूरिज्म का होटल है इरावती, हम वहाँ पे कुछ खाएंगे, खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद हम मार्केट से होते हुए लक्ष्मी नारायण टेम्पल की तरफ चलेंगे। तो मेरी अगली वीडियो होगी लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह ट्रैवल वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पे इससे पहले की वीडियोस जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।